जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंट स्टडी में। फ्रेंड, रिसेंटली अभी पूरे भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया गया है। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये दिवस कब से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को अक्रॉस द नेशन मनाया जाता, पूरे भारत में मनाया जाता है। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड्स, ये 2014 से कंटिन्यू हर ईयर 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका जो मेन रोल था वो था फ्रेंड्स, प्री इंडिपेंडेंट टाइम में जो भारत में जो प्रिंसली स्टेट थी उनको यूनाइट करना, उनको इकट्ठा करना, इसमें इनका सबसे ज़्यादा रोल था। रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फ्रेंड्स, इन नेशनल मूवमेंट इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1917 में ये इलेक्ट हुए थे गुजरात के सेक्रेटरी, एक सभा थी उसके ये सेक्रेटरी इलेक्ट हुए थे। और 1918 में इन्होंने लीड करा था नो टैक्स कैंपेन, मतलब उन्होंने जो फार्मर थे उनको बोला था कि कोई भी टैक्स नहीं देगा ब्रिटिश को, क्योंकि उस टाइम जो फ्लड का इशू चल रहा था फ्रेंड गुजरात में, तो उन्होंने नो टैक्स कैंपेन को लीड करा था। और जो इनका मेन दूसरा जो फ्रेंड्स मूवमेंट में इनका योगदान था वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो गांधी जी ने लॉन्च करा था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो टाइटल मिला था सरदार को 1928 में बरदोली सत्याग्रह, वहाँ पे 21 वुमेन ने उनको एक टाइटल दिया था जब उन्होंने फार्मर का कोई इशू उठाया था। और फ्रेंड्स, सरदार पटेल वल्लभ पटेल से इनको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो टाइटल मिला वो दिया था महात्मा गांधी ने। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरदार टाइटल किसने दिया और सरदार वल्लभ भाई टाइटल किसने दिया है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। अब 1930 में इन्हें जेल भी हुई थी, जो साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था उस टाइम इनको जेल हुई थी। 1931 में जब महात्मा गांधी सेकेंड राउंड कन्वेंशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, तो उस टाइम ये प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो सेशन हुआ था वो हुआ था कराची में। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो ऑपरेशन पोलो है ये भी लॉन्च करा था। ऑपरेशन पोलो आप सबको पता ही होगा, जब फ्रेंड्स हमारे जो प्रिंसली स्टेट है उसको यूनाइट करे तो कुछ एक स्टेट मना करे थे कि हम भारत में यूनाइट नहीं होना है, हम या तो पाकिस्तान में चले जाएंगे या खुद ही हमें बस अलग से रहना है, जैसे जम्मू कश्मीर का रिसेंटली अभी इशू था। तो उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद में। और रिसेंटली अभी 2018 में टॉलेस्ट स्टैचू बनाया गया है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू 182 मीटर, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी 143 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फ्रेंड्स, इनको आयरन मैन क्यों कहा जाता है? आयरन मैन फ्रेंड्स इनको तभी कहा जाता है जब इन्होंने पूरे जो प्रिंसली स्टेट को उन्होंने यूनाइट किया था, किसी को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे, जैसे मिलिट्री के अकॉर्डिंग या बाय फोर्स, या किसी को यूनाइट करके इन्होंने सबको मतलब यूनाइट करा था 562 जो प्रिंसली स्टेट थी। फ्रेंड्स, इनका जो रोल था वो था दो मेन रिवॉल्ट, खेड़ा एंड बरदोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें इनका किस किस मूवमेंट में इन्होंने अपना योगदान दिया है। और फ्रेंड्स, ये जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था फर्स्ट डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे एंड होम मिनिस्टर भी रहे। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने पहले ही बताया इलेक्ट हुए थे 1931 में, और इनको भारत रत्न दिया गया है 1991 में। और इन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है यूनाइटेड इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब भारत को आज़ादी के बाद यूनाइट करने वाले आर्किटेक्ट का जो दर्जा है वो इन्हें दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे भी कुछ ऐसी ही वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छा सा अच्छा नॉलेज और कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे फिट, स्टे मोटिवेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।